हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रस खान के सवैये। उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रस खान के सवैये शुरू करने से पहले चलिए रस खान जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रस खान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इतिहास में रस खान को रस की खान कहा गया है। इनके कविता में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों ही मिलते हैं। इनके कविता में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है, वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। तो इस सवैये की भाषा जो है वो है ब्रज और इसका छंद होगा सवैया। इसे याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए चलिए रस खान के सवैये शुरू करते हैं। तो पहले सवैये का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है, अब तुम लोग ध्यान से सुनना। तो पहले सवैये में कवि रस खान के श्री कृष्ण और उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति कवि रस खान के मन में जो लगाव है, उसका वर्णन हुआ है। रस खान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। इसी वजह से वो अपने हर एक जीवन में ब्रज की धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। और वो कहते हैं अगर उनका जन्म पशु के रूप में हो तो वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर वो पत्थर भी बने तो वो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कवि चाहे कोई भी जन्म क्यों ना ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। तो दूसरे सवैये का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। सो दूसरे सवैये में कवि रस खान का भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके प्रति रस खान के मन में बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वो कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों को देखा है, वो इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने वहाँ के कांटेदार झाड़ियों और वनों को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। न्यौछावर यानी कि त्याग। तो अब तीसरे सवैये का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। तो तीसरे सवैये में रस खान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग किए जाने वाली सारी वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके सामने पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन के ग्वालों के साथ गाय चराएंगी। फिर गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना,
क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वो मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। चौथे सवैये का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है कि वो चाह कर भी श्री कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाए, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। तो यहाँ पर गोपियाँ फिर कहती हैं कि अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो वो वश में नहीं रह पाएंगी, फिर चाहे उन्हें कितना भी समझाया जाए वो कुछ नहीं समझ पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा, वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन, और अगर अभी तक आप लोगों ने दूसरे पोइंट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर देख लो, और चैप्टर्स का वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिया है तो वो भी जाकर देख लेना। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर देना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।